All right, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls, your boy, Bhatti Expert. So, guys, आज हम जा रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी और बड़ी खुशी ये है कि आज सरदार गुलाम खान जिलानी महर आज उसकी सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एंट्री है. तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर और बहुत आज खुशी ये है कि साई की एडमिशन हो गई है और हमारे साथ रहेंगे अभी. तो हमारे पीछे भी गाड़ी है एक और अभी इंशाल्लाह आज हमारे जो कैमरा मैन है वो जहूर शर साहब है. पीछे पीर मसरूर साहब भी आ रहे हैं और रियाज भाई भी आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह आज हमें बहुत मजा आने वाला है. बहुत टाइम के बाद मैंने व्लॉग आज बनाना स्टार्ट किया. मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं. आने निकलता हूं. ठीक का बाबा बरीज बाबा बिस्मिल्लाह करीस. आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि भाई क्या बताएं. फिर भी लाइन लगी हुई थी उस वाले पंप पर हम गए थे. बहुत लाइन लगी हुई थी भाई. बात पता नहीं कहां से लोगों के पास इतने पैसे आते हैं. साईं बड़ी गाल है. हां महंगाई जितनी भी है. हां बाबा हां बाबा आखिरी मंजिल पे पाना पोता हूं. मां जाओ चलड़ो पोना पाकिस्तान कुछ नाइनन में ना पाकिस्तान ना चली जाओ कुछ भी थी ना छेदड़ो कुछ भी थी. हालात देखे हैं ना. हालात नेड़ो करे छड़ियो. अल्लाह राम थैंक यू बाबा. ठीक है बाबा थैंक यू. गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के गेट पर. यहां पर हुजूम जमा हो रहा है और बस इंशाल्लाह एंट्री करते हैं. ये रहा गेट है और दूसरा गेट भी इसके आगे ही है. गाइस यहां से अभी अरे पीर वदियो. तो गाइस यहां से अभी मैं ये रिवर्ड वाला चलाऊंगा और साईं वाले वहां से चले गए. चलो बिस्मिल्लाह. साईं दबा भजाए हो साईं. साईं उमरा साहब भी हमारे साथ है. दोस्त भी हमारे साथ है. बिस्मिल्लाह करते हैं. साईं स्टार्ट कहूं क्या. अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. हेलो बिस्मिल्लाह दोस्तों. हाँ खैर आजाद आलू. बस भाई अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर जाने की. भाई बिस्मिल्लाह कर. साईं राज साहब दो खबर आज साईं को मतलब क्लास अटेंड करवाएंगे है ना. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाह करके अभी हम लोग निकल रहे हैं अंदर. खान से भी संगत वाले मिल रहे हैं दोस्त. लाल दही खुश लगा पे आयो तभी सही है. चल खुश आयो. वो गाड़ी अल्टो भी पाई हुई. भाई आ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और माशाल्लाह सब स्टूडेंट अभी ऑफ है. साईं की बेसिकली जो है वो है इवनिंग में क्लासेस. पीर साहब कॉल कर रहे हैं. ओके बाबा. पीछे अल्टो गाड़ी और भी है हमारी. गुलाम जिलानी खान महर साहब आहे. चीफ सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब जो नंढो भा है उनके असा इंग्लिश में अज उन पर्यों ढी है. दिल के गहराइन से भलीकार चौदह. जीशान जमाली साहब ये असाया पैरा दोस्त वेझा भाई जान तब असाया सा दोस्त. इंग्लिश सिंध यूनिवर्सिटी इंग्लिश जो फ्यूचर है. तुम सुठा मुकर सिंध जहाँ वा ऑफिसर सी एस पी ऑफिसर एस एस पी आई जी डी आई जी जो तो जवान तवे हवाले था क्यों तक चूं सा रबते में होंद साई जो आज इंग्लिश जो स्टूडेंट है अज का वी मान नो तमाम घना थुराता हूँ. अल्लाह से तक शहाद आबाद कहो. गुलाम जिलानी खान महर हर वक्त चौवी कलाक रबते में होंद तो खबर अव सजो खल्के खिदमत ऐसी तू हों कम कार दोस्त रन में कह रही है. इनशाला कह रहस फर्ज है. अल्लाह तक खुश कर हाँ पंज मिनट कि वेहंदी किथे था हलो निशान साई आए सजी संग गुलाम जिलानी खान साईं दा कतरी मतरी क्यों साईं जो लिटरेचर आ साईं बस अच्छी वाले इंग्लिश में अच्छी और साईं असन वाले आ और साईं वाले आ साईं वाले आ निशान जमालिया बहरन जो दोस्त सब माने ऑल इज इक्वल ताकत है.
दोस्तों खैर और खैरियत से एंट्री हो गई माशाल्लाह। और ये एंट्री का मकसद ये था, बहुत लोग बोल रहे होंगे क्योंकि साईं हैदराबाद में अभी न्यू है और इनको मतलब यूनिवर्सिटी में दोस्तों की ज़रूरत थी, तो माशाल्लाह से सब लोग आ गए। अब ये कुछ साईं के बैचमेट्स हैं और कुछ क्लास फेलोज होंगे ऑफकोर्स, सो ऐसे ही दुआ सलाम हो जाती है क्योंकि हम लोग सीनियर हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कोई आए नया बंदा यूनिवर्सिटी में और उसका वेलकम करें। इंस्टेंट ऑफ दैट के जैसे पहले हुआ करता था, लोग रैगिंग करते थे, अभी वैसे नहीं है, अभी मोहब्बत है भाई। अभी जो बैच आई है सब लोग बताओ कि किसने रैगिंग वगैरह तो नहीं की ना, जो सीनियर में किसी ने नहीं की है ना, तो ये सिंध की मोहब्बत है और हम आपको दिल से वेलकम करते हैं सिंध यूनिवर्सिटी में। और हमारा जो सिंध का अभी जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो हमारा यूथ है, उनको मैसेज ये है कि भाई आओ प्यार से इधर रहो, पढ़ाई करो, एज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच, अभी आगे चलते हैं और आप लोग को विजिट करवाते हैं। मगर खानदान जो चश्म चरागा चीफ सरदार जो आए वरी रात असा था गल रियाज ही असा बिठा सी पान मोहम्मद बख साई चवा हाँ तवाले आई अचो अचो गुलाम जी लाइन अचो मला साहब दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आर्ट्स बिल्डिंग, माशाल्लाह साईं को ये भी विजिट करवाए। अभी तो क्लासेस ऑफ है, सब लोग गए हैं अपने काम से, तो माशाल्लाह सीन है। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, बस खैर और खैरियत से एंट्री हो गई और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर या फिर AC2, क्योंकि अभी गाड़ी को अगली जो गाड़ी है उसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह लेट्स सी थम्स अप। चलो गाइस हो गई हमारी एंडिंग यहाँ पर, ख़त्म हो गया बिस्मिल्लाह। सो गाइज अभी हम लोग मला साहब के औताक पे आए हैं यहाँ पर अभी हम लोग घर की चाय पियेंगे और उसके बाद याद भाई मला साहब का ये वाड़ा देखो भाई, माशाल्लाह मला साहब का ये देखो, इधर ही दूध बनेगा, इधर ही सब चीज़ होगी माशाल्लाह से भाई, ओके हो जाएगा। चलो अभी हम चाय पियेंगे देसी दूध की, मतलब अभी जो निकलेगा उसकी चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग ओके हो जाएंगे। मला साहब ये हैं हमारे प्यारे दोस्त हैं, मला साहब बहुत शुक्रिया, मला साहब खान साहब को यहाँ बिठा दिया है भाई, मज़ा आया ज़बरदस्त। तो गाइस अभी हम जैसे आपको बताया कि अभी मला साहब ने हमारे लिए ये पकौड़े समोसे बड़ी खिदमत की, मला साहब बहुत शुक्रिया भाई। अब लस्सी भाई की तरफ से आएगी लस्सी, बेहतरीन लस्सी। साईं की पैसे में अपनी है, मला साहब की लस्सी बनवा रहा है। साईं टेस्ट कैसा लगा ये समोसा पकौड़ों का? बेहतरीन पीर साहब, बहुत शुक्रिया, एंट्री माशाल्लाह बेहतरीन कर दिया आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी है, नवाजिश। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर, आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत दोस्तों की बड़ी बड़ी मेहरबानी और इतना प्रोटोकॉल और इतनी इज्जत देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं कल के वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।